बेसिक्स अड्डा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ। और इस वीडियो में हम लोग क्रड एपीआई क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस और मोंगो डीबी। और बेसिकली जो ये हमारा एप्लीकेशन है एपीआई का, ये ऑलरेडी हम पहले भी बना चुके हैं, हमारे चैनल पे इसकी पुरानी वीडियो मौजूद है। सो बेसिकली ये पुरानी वाली वीडियो का ये अपडेटेड वर्जन है, यानी कि पुराने वाले में जो भी सिंटैक्स यूज़ किया हमने, वो सब जो कोड का लॉजिक है वो सब सेम ही रहेगा। बट इसमें क्या है कि इसमें हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे और पुराने वाले में क्या है कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जो है वो यूज़ किया गया है। एपीआई को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको जो है आपके सिस्टम में नोड जेएस का इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे जो सारे पैकेजेस जो है वो डाउनलोड होते हैं। तो नोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको नोड जेएस के साइट पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। आप किसी भी डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप नोड जेएस को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है कि इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल आप इसको डबल क्लिक करना है और नेक्स्ट 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 का प्रोसेस आएगा, उसको आपको कंप्लीट करते जाना है और नोड जेएस जो है वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इनकेस अगर प्रॉब्लम हो आपको कि कैसे डाउनलोड करना है, तो आप गूगल का हेल्प ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी आप इसको देख सकते हैं कैसे डाउनलोड किया जाता है। जब आपका डाउनलोड हो जाए और इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक फोल्डर क्रिएट करना है और उसको इनिशलाइज करना है, यानी कि नोड मॉड्यूल के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने डेस्कटॉप पे क्रड 2024 नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से, आप अपने सिस्टम पे कहीं भी किसी भी नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। और फिर क्या करना है कि उस फोल्डर को जो है ओपन करना है सीएलआई के अंदर में, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस के लिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर के अंदर में जाता हूँ और ऊपर में जब आप क्लिक करेंगे बार के अंदर में, तो विंडो के अंदर में ऑप्शन होता है कि यहाँ पर अगर आप क्लिक करके सीएमडी टाइप करते हैं तो कमांड लाइन इंटरफेस जो है वो आपका ओपन हो जाता है और उसका पाथ जो है उसी फोल्डर का आता है, यानी कि जिस फोल्डर के अंदर में आपने इसको ओपन किया हुआ है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपका ये सीएमडी ओपन हो जाएगा। और सीएमडी ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है कि इनिशियलाइज करना है इस फोल्डर को नोड पैकेज के लिए। तो इसके लिए आपको कमांड लाइन ऐड करना पड़ेगा, npm स्पेस init, और उसके बाद एंटर कर देंगे, आपका जो है ये कमांड लाइन जो है मतलब पैकेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इनिशिएट हो जाएगा। बट इसमें क्या है कि ये कई बार सवाल पूछता है बहुत सारे, तो इस सवाल का जवाब अगर आपको नहीं देना चाहते हैं तो आपको डैश वाई फ्लैग डालना है यहाँ पे, यानी कि npm init डैश वाई लिख देना है। और उसके बाद अगर एंटर करेंगे तो ये सीधा आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है डायरेक्टली आपका क्रिएट कर देगा, कोई भी सवाल आपसे ये नहीं पूछेगा। तो npm init हमने क्यों किया है, तो बेसिकली ये हमने इसलिए किया है कि ताकि जो भी पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे वो इसी फोल्डर के अंदर में इंस्टॉल होगा और इसी पैकेज के अंदर में उस पैकेज का, यानी कि पैकेज डॉट जेसन के अंदर में सारे पैकेज का डिटेल जो है वो ऐड हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि npm इंस्टॉल का यूज़ करके एक्सप्रेस को यूज़ करना है, यानी कि एक्सप्रेस पैकेज जो है एक्सप्रेस जेएस उसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, npm install express लिखना है और उसके बाद एंटर कर देना है। ये क्या होगा कि डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको इस फोल्डर के अंदर में नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर दिखेगा और बाकी पैकेज डॉट जेसन, पैकेज लॉक डॉट जेसन, ये सारी फाइल और फोल्डर जो है इस तरीके से आपको दिखेगा। अभी क्या है कि पैकेज तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है, अब इस पैकेज का हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इस फोल्डर को VS कोड के अंदर में ओपन कर लेता हूँ। VS कोड यानी कि हमारा टेक्स्ट एडिटर है, आप अपने पसंद का कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे VS कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो VS कोड अगर आपके पास भी है और उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कोड स्पेस डॉट लिख करके एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, यानी कि ये जो फोल्डर है, ये VS कोड के अंदर में ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको सारी फाइल और फोल्डर जो है वो आपको नज़र आने लगेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो कमांड लाइन है इसको आप
क्लोज करके वीएस कोड के अंदर में ऑलरेडी उसका इंटीग्रेटेड ऑप्शन होता है, वहाँ से भी आप कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा पुराना वाला जो CLI उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, और अब जो यूज़ करेंगे वो हम लोग VS कोड का जो CLI है उसको यूज़ करेंगे। VS कोड के CLI को ओपन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो यहाँ पे तीन डॉट लिखा हुआ है इसके अंदर में जाना है, और यहाँ से आपको टर्मिनल में जा करके यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना है। जब न्यू टर्मिनल आपको ओपन करेंगे तो हमारे सिस्टम पे क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट पावर शेल CLI जो है वो ओपन हो जाता है। तो पावर शेल में क्या है कि जब मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे एरर आ जाता है, तो यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट चेंज कर लूँगा इसका, और पावर CLI को मैं हटा दूँगा, यानी कि जैसे पहले CMD यूज़ हो रहा था उसी तरीके से हमारा अब यहाँ पर भी CMD यूज़ हो रहा है। आप चाहें तो उसको नॉर्मली चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर आप में एरर आता है तो आप भी कमांड लाइन इंटरफेस को चेंज करके चेक कर सकते हैं। अभी क्या है कि CMD हमारा ओपन हो चुका है, अब हम यहाँ से इसको सारा प्रोसेस जो है इसी CLI का यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर क्यों क्रिएट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, उससे पहले हम लोग चलेंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर में, और यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो ES6 जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है वो हमें यूज़ करना है। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शनैलिटी होता है, जो फीचर्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए पहले आपको यहाँ पे जो है कुछ डिफ़ाइन करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टाइप मॉड्यूल डिफ़ाइन कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि हम लोग जो टाइप मॉड्यूल का फीचर है, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर में आपको टाइप मॉड्यूल डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और फिर आप जो है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह वगैरह जो जितने भी फीचर हैं वो आप चाहे तो इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर के लिए मैं क्या करता हूँ कि index.js नाम का एक फ़ाइल मैं क्रिएट कर लेता हूँ, और उस वो बेसिकली जो फाइल है हमारा उसके अंदर में हम सर्वर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं कि index.js लिखा हुआ, तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके और फिर क्या करता हूँ कि न्यू फोल्डर ले करके यहाँ पर index.js क्रिएट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है कि index.js के अंदर में हमें सर्वर क्रिएट करना है। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक्सप्रेस को आपको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो ES6 टाइप मॉड्यूल हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, तो हम लोग जो है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इम्पोर्ट एक्स का जो है फीचर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इम्पोर्ट करना है और फिर उसको एक वेरिएबल के अंदर में असाइन करना है, कॉन्स्ट ऐप का यूज़ करके। मतलब हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर आपको एक पोर्ट क्रिएट करना है, उसके लिए भी आपको एज ए वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्स्ट पोर्ट, और जिस भी पोर्ट पे सर्वर आपको रन करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे पोर्ट जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करना है आपको कि जो ऐप हमने वेरिएबल क्रिएट किया उसका यूज़ करके लिसन करके एक मेथड आता है, उसको हमें यूज़ करना है। लिसन जो है वो एक्सप्रेस का मेथड है, तो वो हम यूज़ करेंगे। और लिसन का यूज़ करके फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं, और फिर बेसिकली इसके अंदर दो ऑप्शन आता है, एक पोर्ट और एक जो है कॉल बैक फंक्शन। तो पोर्ट में हमारा पोर्ट आ जाएगा जो कि हमने 3000 लिखा हुआ, और एक कॉल बैक फंक्शन जो कि एरो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे ऐड करना है। और उसके बाद में आप यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमने कॉन्सोल लॉग करके इसके अंदर में पोर्ट जो है वो डिफ़ाइन कर दिया है। और यहाँ पे हम बैकटिक्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारा पोर्ट वेरिएबल है उसको हम इसके अंदर में डायरेक्टली ऐड कर सकें। तो ये हमारा ऐड हो चुका है, और अब हमें क्या करना है कि इसको चेक कर सकते हैं ब्राउज़र पे कि हमारा पोर्ट जो है वो रनिंग है कि नहीं, मतलब चल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए आपको CLI के अंदर में node index.js लिखना पड़ेगा, यानी कि जिस नाम से आपने फाइल क्रिएट की है वो नाम यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद एंटर कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका फाइल जो है वो
वॉच होता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने कंसोल किया था वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एग्जांपल ऐप लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000। अब हम ब्राउज़र पे चल के इसको जो है चेक करते हैं। तो इसके लिए आपको ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा और ब्राउज़र पे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लोकल होस्ट 3000। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे लिख करके आएगा कैनॉट गेट स्लैश, यानी कि सर्वर हमारा जो है वो क्रिएट हो चुका है लेकिन कोई भी अभी यहाँ पे यूआरएल आपका काम नहीं करेगा, यानी कि कोई भी आप अगर कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पे तो वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने कोई अभी राउट जो है वो डिफाइन नहीं किया है। तो अब हम देखेंगे कि राउट को कैसे डिफाइन करते हैं। तो राउट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ऐप वेरिएबल जो हमने डिफाइन किया है उसका यूज़ करना है और उसके साथ में मेथड यूज़ करना है। मेथड मल्टीपल मेथड होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे कौन कौन से मेथड होते हैं। तो मेथड डिफाइन करना और मेथड के अंदर में आपको क्या करना है कि दो चीज़ पास करना है, एक तो पाथ होता है हमारा और एक होता है हैंडलर। तो ये दो चीज़ जो है हम डिफाइन करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ऐप का यूज़ करके गेट मेथड जो है वो मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और इसके अंदर हम लोग पाथ डिफाइन करेंगे और पाथ स्लैश होगा हमारा और उसके बाद में कॉमा के बाद फिर हम क्या करेंगे कि एक एरो फंक्शन डालेंगे एज ए आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा हैंडलर होगा और उसके अंदर में हम लोग रिक्वेस्ट और रिस्पांस उसका पैरामीटर हम लोग डालेंगे, यानी कि जो हमने एरो फंक्शन क्रिएट किया यानी कॉल बैक फंक्शन जो हमने क्रिएट किया उसका। और फिर इसके अंदर से हम लोग जो है रिस्पांस का यूज़ करके इसके अंदर में फिर हम लोग कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो मैसेज सेंड करने के लिए डॉट सेंड मेथड का यूज़ करते हैं और उसके अंदर फिर हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड डाल दिया है। सेंड के अलावा डॉट जेसन भी होता है, डॉट स्टेटस भी होता है। स्टेटस के अंदर हम स्टेटस डालते हैं और जेसन के अंदर फिर हम लोग जो है जेसन भेजते हैं। तो वो सब भी हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल हमने जो है बेसिक राउट क्रिएट कर दिया है ताकि अब अगर हम URL पे जा करके कुछ भी अगर हम URL को ओपन करते हैं तो हमारा जो मतलब स्लैश URL जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो हमारा दिखाई देगा। अगर अभी मैं जाता हूँ URL ब्राउज़र पे और उसके बाद चेक करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, सेम एरर दिखेगा, क्योंकि जो हमारा फाइल है उसको दोबारा से फिर से हमें रन करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर CLI के अंदर पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ और उसके बाद फिर वापस से हम नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस यानी कि जो फाइल का हमारे नाम है उसको फिर से वापस से हमें एंटर करना है। उसके बाद फिर से जो है ये आपका अपडेट हो जाए। अब अगर ब्राउज़र पे अगर आप जाएंगे और फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है जो पहले कैनॉट गेट आ रहा था उसकी जगह पर आपको हेलो वर्ल्ड जो है वो नज़र आपको आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि बेसिक जो है वो राउट क्रिएट करते हैं और राउट जो है वो डिफरेंट मतलब राउट के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट होता है, पोस्ट होता है और अपडेट होता है, डिलीट होता है। तो ये सब सारे काम के लिए अलग अलग जो है वो यूज़ होता है। गेट जो है वो कोई भी डेटा सर्वर से गेट करने के लिए होता है, अपडेट जो है अपडेट करने के लिए होता है और जो पोस्ट होता है वो डेटा को सर्वर से मतलब जो है फ्रंट एंड होता है उससे गेट करके सर्वर पे भेजने के लिए होता है, यानी कि पोस्ट करने के लिए होता है। डिलीट जो है वो डिलीट करने के लिए होता है। तो ये सब भी हम देखेंगे और अभी फ़िलहाल जो है हमने एक बेसिक जो है राउट है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ। बेसिक राउट में जो हमारा गेट मेथड है उसका हमने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं कुछ और भी राउट है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर। पोस्ट, पुट और डिलीट। तो बेसिकली ये सारे जो मेथड होते हैं इसमें मेन मेथड जो है यानी कि क्रड एप्लीकेशन के लिए आपको एक गेट का यूज़ करना पड़ेगा, आपको एक पोस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, एक पुट का यूज़ करना पड़ेगा, पुट यानी कि अपडेट के लिए और डिलीट का। इन चार को ये जो चार मेथड है इनका यूज़ करके हम आराम से एक करंट एप्लीकेशन यानी कि API जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। इस इतना में हमारा काम जो है वो चल जाता है। गेट जो है वो हमारा डेटा को सर्वर से गेट करने के लिए होता है और जो
पोस्ट है वो सर्वर पे डेटा को पोस्ट करने के लिए होता है, यानी कि जो डेटा फ्रंट एंड से आएगा उसको फिर हम सर्वर पे सेंड करेंगे पोस्ट का यूज़ करके। और जो पुट होता है वो अपडेट करने के लिए होता है कि कोई भी डेटा जो है जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं तो उसको हम अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं कि कोई भी डेटा को डिलीट करने के लिए। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो बोला जाता है कि कोड स्प्लिटिंग, यानी कि कोड को एक ही फाइल में ना लिख करके जो भी कोड मतलब जितने भी रिलेटेड कोड है उनको अलग अलग सेपरेट फोल्डर या फिर फाइल के अंदर में उसको रखना चाहिए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो जितने सारे भी हमारे राउट्स हैं उन सबको, जैसे अभी हमने एक मतलब इसी इंडेक्स में डाला हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और फिर उस फोल्डर के अंदर में हम एक फाइल क्रिएट करेंगे और वहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, राउट्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उस फोल्डर के अंदर में प्रोडक्ट राउट्स डॉट जे एस नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। और उस फाइल के अंदर में हमें क्या करना है कि उन सबको जो हमने इंडेक्स डॉट जे एस फाइल के अंदर जितने भी राउट्स क्रिएट किए हैं उनको हम इस फाइल के अंदर में डाल देंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एक्सप्रेस को इम्पोर्ट करना है और उसके बाद एक राउट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उसमें फिर एक्सप्रेस डॉट राउट मेथड को यहाँ पे ऐड कर देना है। और उसके बाद इस वेरिएबल को हम लोग क्या करेंगे कि डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करके इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो फाइल है इसका यूज़ जो है, यानी कि ये जो है एक्सपोर्ट करने के बाद में हम जहाँ भी चाहेंगे मतलब जिस भी फाइल के अंदर में चाहेंगे वहाँ पे इस फाइल को हम वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राउटर लिख दिया है और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स डॉट जे एस से जितने भी हमारे राउट हमने जो क्रिएट किए हैं उन सबको मैं वहाँ से कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद में मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद में आपको क्या करना है कि जब हम इंडेक्स पे इसको हमने यूज़ किया था तो वहाँ पे हमने ऐप डॉट मेथड का यूज़ किया था कि ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पुट। तो इसमें ऐप जो है इन सबको अभी हम यहाँ से हटा करके इसकी जगह पे राउटर वेरिएबल ऐड कर देंगे। तो जितने भी ऐप है इन सबको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से एक बार में और उसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि सबको मैं रिप्लेस कर देता हूँ राउटर से। तो अभी क्या है कि जो हमारा मेथड है वो हो जाएगा राउटर डॉट गेट, राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट पुट, राउटर डॉट डिलीट। और फिर इसको हम सेव करके फिर क्या कर सकते हैं कि इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कहाँ पे करेंगे इसको, तो इसको वापस से हम लोग जो है राउटर वेरिएबल का जो हमने इम्पोर्ट करके जो एक्सपोर्ट किया उसका यूज़ करके इंडेक्स पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो जो फाइल हमने वहाँ पे डाली है उसको कि मतलब क्रिएट किया उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको मैं प्रोडक्ट राउट्स के नाम से इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसका पाथ जो है फाइल का वो हम लोग फॉर्म के अंदर में डाल करके डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर फिर ऐप डॉट यूज़ का हमें यूज़ करना है। पहले हम लोग ऐप डॉट मैथड यूज़ करें तो अब हम लोग ऐप डॉट यूज़ का मैं यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज़ मेथड का। और इसके अंदर फिर हम लोग डिफ़ाइन कर देंगे क्या, एक तो पाथ डिफाइन करेंगे और इस बार थोड़ा पाथ हमारा चेंज रहेगा, तो वो क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा जो होता है जो हमने जिस नाम से इम्पोर्ट किया हुआ है यहाँ पे ऐप राउट फाइल को वो नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अभी क्या है कि हमारा राउट जो है वो यूज़ हो चुका है और इसको अगर मैं जा कर के यहाँ पे यूज़ करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये आपको एरर मिलेगा क्योंकि अब ये राउट जो है काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे यूआरएल जो है वो चेंज हो चुका है। तो यूआरएल कौन सा है, यूआरएल में जो है आपका अब ये वाला यूआरएल, यानी कि लोकल होस्ट स्लैश लोकल होस्ट 3000 के बाद में स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स आपको लिखना पड़ेगा। अब इस राउट से जो है जब आप इसको ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको हेलो वर्ल्ड जो है वो दिखाई देगा, यानी कि अब जो है जितना भी राउट है वो हमारा इसी राउट पे चलेगा, इसी URL पे चलेगा, यानी कि 3000 के बाद में स्लैश API स्लैश प्रोडक्ट्स जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा।
तो इससे बेसिकली क्या हुआ कि जो पहले रूट डायरेक्ट यूज़ हो रहा था, तो रूट में हमने यहाँ पे जो भी लिखा है वो क्या होगा कि ऐड हो जाएगा, यानी कि अब डायरेक्ट स्लैश से यूज़ नहीं होगा, अब वहाँ पे हमें किसी भी राउट को एक्सेस करने के लिए 3000 के बाद में जो है API स्लैश प्रोडक्ट जो है वो लिख सकते हैं, मतलब लिखना होगा तभी जा करके वो API हमारा काम करेगा। उसके बाद फिर जो है यहाँ पे यानी कि प्रोडक्ट्स राउट के अंदर में जो हमारा URL बनता है वो हमें लिखना हो पड़ेगा। तो अभी क्या है कि हमने सबके अंदर में सिंपल जो है वो स्लैश स्लैश डाला हुआ है, तो इसलिए जो है वो अभी स्लैश ही रहेगा। तो अभी जैसे गेट पे स्लैश हम यूज़ करते हैं तो हमारा गेट यूज़ होता है, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर में अगर डायरेक्टली ब्राउज़र पे अगर हम यूज़ करते हैं कोई भी मेथड तो काम नहीं करता, उसमें सिर्फ और सिर्फ गेट मेथड जो है उसी को आप डायरेक्टली ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी के जो मेथड है उनको आपको यूज़ करने के लिए क्या करना होगा कि या तो फ्रंट एंड से आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है आपको पोस्टमैन का यूज़ करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया कि राउटर को तो एक फोल्डर के अंदर में डाल दिया एक फाइल क्रिएट करके, बट यहाँ पे अगर राउटर के अंदर में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन आ रहा है। ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर में जितने भी हमारे मेथड मतलब फंक्शन होंगे डेटाबेस से कनेक्टिविटी का और डेटा को फ्रंट एंड से गेट करने का वगैरह वगैरह, तो ये सारा चीज़ जो है वो हमें इसके अंदर में लिखना होगा। तो ये फोल्डर और ये फाइल जो हमने क्रिएट किया प्रोडक्ट राउट्स, ये बेसिकली राउट्स के लिए है, यानी कि राउटर के लिए। तो जब एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं ख़ास तौर से API वगैरह, तो इसमें क्या होता है कि राउट के अंदर में जो है हम मेथड वगैरह को नहीं फंक्शन वगैरह को नहीं डाल सकते, उसके लिए भी हमें क्या करना होता है कोड स्प्लिटिंग का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि इसको सेपरेटली डालना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, और इसको बेसिकली कंट्रोलर ही बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कंट्रोल करेगा, ये फंक्शन जो है हमारा कंट्रोल करेगा किसको, जो भी एक्शन होगा हमारा डेटाबेस से हो या फिर फ्रंट एंड से हो उसको, तो उसके लिए ये क्या है उसको बेसिकली कंट्रोल करेगा ये। तो इसको हम कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर में प्रोडक्ट कंट्रोलर डॉट जेएस नाम से फाइल के अंदर में इसको जो है हम कॉल बैक को ऐड करेंगे। तो अभी क्या है कि ये पूरा का पूरा एक कॉल बैक है जो कि मेथड के अंदर में ऐड हो रहा है, लेकिन जब इसको सेपरेट फाइल के अंदर में जब हम लोग डालते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं डाल सकते, क्योंकि वहाँ पे तो यहाँ पे तो मेथड में है ये, लेकिन इसको अलग कैसे डालेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको अलग तरीके से कॉल करते हैं, यानी कि फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर में दो तरीके का होता है, और एक तो नॉर्मल फंक्शन जिसमें फंक्शन कीवर्ड यूज़ करके फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, और एक होता है एज ए वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इक्वल का साइन यूज़ करके फिर हम फंक्शन लिखते हैं। तो वहाँ से हमने डायरेक्टली जो हमारा एरो फंक्शन है यानी कॉल बैक फंक्शन, उसको हमने वहाँ से कट करके यहाँ पे इक्वल साइन के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर में इस तरीके से जब हम फंक्शन लिखते हैं तो इसको फंक्शन एक्सप्रेशन बोला जाता है, यानी कि इक्वल साइन बीच में यूज़ कर रहे हैं इसलिए। तो अभी क्या है कि जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनको गेट करने के लिए यहाँ पे एक हमने क्रिएट कर दिया है, और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से सिंगल प्रोडक्ट के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, और एक प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, प्रोडक्ट को अपडेट करने के लिए, और फिर प्रोडक्ट को डिलीट करने के लिए। इस तरीके से जो है हम सब के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो फंक्शन जो है वो क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ किया हुआ तो फंक्शन एक्सप्रेशन बोलेंगे उसको। तो अभी क्या है कि जितने भी हमने नाम जो ऐड किए हुए हैं यानी कि वेरिएबल टाइप से, उन सब का यूज़ करके हम इस फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन सब को आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम सबको क्या करते हैं कि यहाँ पे जितने भी वेरिएबल टाइप से हमने डिफाइन किया उनको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे यानी कि प्रोडक्ट राउट्स के अंदर में इनको हम कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया तो यहाँ हम इम्पोर्ट कर सकते हैं,
यहाँ पे आप जैसे आप कॉल बैक देख रहे हैं उसी तरीके से आपको पूरा का पूरा वहाँ पे आपको कॉल बैक जो है वो दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर में मतलब सारा मेथड जो है हमारा वो हम लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रेस डॉट सेंट अगर हमने लिख दिया है तो आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आपका काम करेगा। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं कि इंपोर्ट करते हैं, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा कि सबको इंपोर्ट करना है, जिस नाम से हमने वहाँ से कंट्रोलर फाइल के अंदर में एक्सपोर्ट किया था उसी नाम से इंपोर्ट करना है यहाँ पे, और फिर जो ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है इसकी जगह पे हम अब इन सारे फंक्शन को ऐड कर देंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑल के लिए, प्रोडक्ट डिटेल के लिए और प्रोडक्ट गेट मेथड ही होगा दोनों के लिए, मतलब ऑल प्रोडक्ट के लिए भी और प्रोडक्ट डिटेल के लिए भी, और जो हमारा क्रिएट प्रोडक्ट है वो हमारा पोस्ट हो जाएगा, और जो पुट है उसके अंदर अपडेट और बाकी डिलीट के अंदर में डिलीट, तो सारे को जो भी नाम हमने डाला था उसके हिसाब से यहाँ पे हमने ऐड कर दिया हुआ है। अभी क्या है कि वहाँ से हमने एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यूआरएल के अंदर में हमें चेंज करना होगा यहाँ पे, क्योंकि जो जैसे हमारा डिटेल वाला है तो इसमें क्या होगा यूआरएल प्रोडक्ट की आईडी जाएगी, उस आईडी के बेस पे जिसकी भी आईडी होगी उसका प्रोडक्ट का डिटेल जो है वो गेट होगा, तो हमें यहाँ पे अपडेट में भी डालना पड़ेगा और डिलीट में भी और डिटेल में भी, इन सब में हमें आईडी डालना है, तो इस तरीके से स्लैश के बाद कॉलन आईडी डाल देंगे हम। और अब क्या है कि जो प्रोडक्ट कंट्रोलर है हमारा ये बेसिकली सारा काम जो है इसके अंदर में हम लोग करेंगे, यानी कि जो हमने यहाँ पे फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ किया है ऑल प्रोडक्ट के लिए, सिंगल प्रोडक्ट के लिए, न्यू प्रोडक्ट के लिए, डिलीट अपडेट प्रोडक्ट के लिए, डिलीट के लिए, उन सब के अंदर में हम यहाँ पे जो है सबका फंक्शनैलिटी जो है वो यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सबसे पहले ऐड प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी जो है वो हम क्रिएट करें, तो इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट को जब हम ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट जो है ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, वो हमारे डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस क्या है हमारा MongoDB, तो MongoDB के अंदर में जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो ऐड होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि मेथड लिखने से पहले, फंक्शनैलिटी डेवलप करने से पहले हमें क्या करना होगा, MongoDB से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हमें MongoDB पे जाना है और उसके बाद में MongoDB पे आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको सिंपल लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है वो डालना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा, पहले आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शन वगैरह पूछता है कि परमिशन वगैरह मांगे, यहाँ पे पूछता है कि मेंबर हो कि कौन सी आईडी पे परमिशन रहेगी वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ आप, मैं यहाँ से डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको भी डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करना है, और उसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक करके जो है आपको क्रिएट कर देना है। उसके बाद में जब आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक क्लस्टर पे आपको क्रिएट करके, और यहाँ पे जो है सिंपल ऑप्शन आता है, सबको आपको डिफ़ॉल्ट रखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, और उसके बाद में यहाँ पे कनेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा जब आपको वो क्रिएट हो जाएगा, तो उससे पहले क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से एक डेटाबेस का यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर आप डिफ़ॉल्ट चाहे तो डिफ़ॉल्ट भी यूज़ कर सकते हो, बट एक मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और फिर उसको जो है हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर डेमो यूज़र नेम और फॉर डेमो पासवर्ड मैंने डाला, दोनों मतलब सेम ही डाला है मैंने, क्योंकि ये डेमो के लिए है, वैसे तो लाइव प्रोजेक्ट पे ये जाएगा नहीं, तो डेमो में आप कुछ भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइव पे जो जब आप डालेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड और यूज़र नेम जो है कुछ क्रिटिकल होना चाहिए कि ताकि कोई भी उसको ईजिली हैक ना कर सके। उसके बाद जब आप यूज़र क्रिएट कर लेंगे तो आप यहाँ से भी आप डेटाबेस एक्सेस में जा कर के भी आप यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, इनकेस अगर कुछ दूसरा ऑप्शन अगर आ रहा हो आपको और पता नहीं हो कैसे यूज़र क्रिएट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, डेटाबेस एक्सेस में भी जा कर के आप वहाँ से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब यूज़र क्रिएट कर सकते हैं,
और क्लस्टर जो है वो आप यहाँ पे डेटाबेस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद कनेक्ट करने की बात आती है तो इस पर क्लिक करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता है। इसमें ये जो आप यूआरएल देख रहे हैं बेसिकली ये यूआरएल ही हमें चाहिए होता है, बट हमें क्या करना है कि अभी फ़िलहाल यूआरएल हम कॉपी नहीं करेंगे, हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि किसके साथ में हमें जो है यूज़ करना है। तो यहाँ पर मोंगो डीबी के साथ में जो है हम लोग मतलब जो हमारा एक्सप्रेस सर्वर है वो जो है बेसिकली कनेक्ट होगा मोंगो डीबी से मोंगूज के थ्रू। तो यहाँ से मोंगूज हमें सिलेक्ट करना है और उसके बाद में फिर जो है हम मोंगूज को हमें इंस्टॉल भी करना होगा और फिर यूआरएल हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है मोंगो डीबी के साथ में मोंगूज स्टार्टर ऐप का, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और फिर यहाँ पर जो है हम चेक करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है। तो रेफरेंस के लिए मतलब आप इसको देख सकते हैं, बाकी इसको जो है आप मोंगूज आपको इंस्टॉल करके फिर आपको यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। तो इसको मैंने ओपन कर दिया है क्लिक करके और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कि क्या स्कीमा क्या होता है वो सब आपको पता चल जाएगा, कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, प्लस किस तरीके से इन्वायरमेंट को सेटअप करना है वो भी यहाँ पे है। तो आप इसको भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कैसे कैसे करना है। तो हमें इसमें से तो सारा प्रोसेस हमने कर लिया हुआ है, बस हमें मोंगूज इंस्टॉल करना है और एक नोड मॉन इंस्टॉल करना है। नोड मॉन बेसिकली सर्वर को रन करने के लिए है। तो ये इसका जो है बार बार जो हम अभी ओपन कर रहे हैं हम सर्वर को वो हमें नहीं करना पड़ेगा, एक बार हम ओपन कर देंगे तो वो हमारे चेंजेस को चेक करता रहेगा। तो इन दोनों पैकेज को जो है हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कंट्रोल सी करके एक बार वापस से पाथ चेक कर लेना है आपको, और पहले मैं यहाँ पे मोंगूज इंस्टॉल कर लेता हूँ npm स्पेस आई जो है इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म है, पूरा इंस्टॉल भी आप लिख सकते हैं या फिर सिंपल आई भी लिख देंगे तो भी चलेगा। उसके बाद पैकेज का नेम यानी कि मोंगूज उसका एंटर करना है, आपका पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। पैकेज को अगर आपको चेक करना है तो फिर आप पैकेज डॉट जेएस में जाके चेक भी कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे अभी क्या करना है कि एक और पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है, वो भी मैं कर लेता हूँ, जो कि डॉट ENV पैकेज है जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगा। डॉट ENV क्या है वो भी हम देखेंगे। तो फिलहाल इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। दो पैकेज हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ से नोडमोन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो नोडमोन के आगे आपने देखा होगा कि इसमें डैश कैपिटल डी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये पैकेज जो है एज ए डेव डिपेंडेंसी इसको इंस्टॉल करना है, यानी कि इसका सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा, जब प्रोडक्शन में ये जाएगा तो इसका कोई यूज़ नहीं, यानी कि अभी का जो सर्वर है हमारा इसको ये कंटिन्यूसली जो है ये वॉच करता रहेगा, देखता रहेगा क्या क्या चेंजेज हुआ उसके हिसाब से अपडेट करता रहेगा। तो पैकेज डॉट जेसन में जा करके अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं डेव डिपेंडेंसी में हमारा नोडमोन इंस्टॉल हो गया है और डिपेंडेंसी के अंदर में हमारा .env मोंगोज और एक्सप्रेस जो है वो हमारा इंस्टॉल है। .env एक्सप्रेस जो है अभी हमने इंस्टॉल किया, एक्सप्रेस जो है पहले का था और मोंगोज और .env हमने अभी इंस्टॉल किया है। अभी हमें क्या करना है कि नोडमोन जो है उसको रन करने के लिए हमें यहाँ पे एक कमांड लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारा स्क्रिप्ट है इसके अंदर में हम यहाँ पे कमांड लिख सकते हैं, अलग अलग जितने भी हमें हमारे मतलब कमांड लिखना चाहें हम वो सब लिख सकते हैं। तो फिलहाल हमें क्या करना है कि डिव कमांड में यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसके अंदर में हम क्या करेंगे कि जो हमारा नोड मॉन है उसको हम बताएंगे कि index.js जो है इसको कंटिन्यूसली वॉच करना है। तो उसके लिए सिंपल क्या करना है कि नोड मॉन आपको लिखना है और जो हमारा इंडेक्स फाइल है index.js फाइल वो आपको यहाँ पे लिखना है। बस इससे क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पे डिव कमांड यूज़ करेंगे तो नोडमोन जो है हमारे index.js फाइल को रन कर मतलब वॉच करता रहेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि npm रन लिखना है और उसके बाद आपको डिव लिखना है। इस तरीके से npm रन डिव जब लिखेंगे तो ये हमारे इंडेक्स फाइल को कंटिन्यूसली जो है ये वॉच करता रहेगा। अब हमें बार बार इंडेक्स फाइल को जो है रन नहीं करना होगा, तो इससे कि टाइम भी बचता है और थोड़ा सा इजी भी रहता है। तो अभी देख सकते हैं सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा राउटर है वो भी सही से काम कर रहा है।
तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन जो है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। पहले एक बार चेक कर लेते हैं, हेलो में अगर हम इस तरीके से डबल डैश कुछ भी अगर इस तरीके से टाइप कर देते हैं, दो बार एक्सक्लेमेशन मार्क डाल के सेव करेंगे तो नीचे देख सकते हैं आप कि ये वॉच कर रहा है चेंजेस को। तो ये तो हमारा हो गया। अब हमें बेसिकली क्या क्या करना है कि कनेक्टिविटी के लिए डायरेक्टली हम जो है कनेक्ट नहीं करते हैं डेटाबेस को, उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ फंक्शन क्रिएट करना है। और उसके लिए पहले हम .env फाइल के अंदर में URL जो है हमारा वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। कौन सा URL? तो MongoDB का जो हमारा URL है उसको हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। और .env पैकेज तो ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया ही हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक एज ए वेरिएबल टाइप से एक नाम यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि कुछ भी जो भी नाम आप देना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे MongoDB URL या MongoDB URI कुछ भी इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इस URL को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। और URL कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट करके और यहाँ पे क्या करना है कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इन दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा। और उसके बाद में इसको हम लोग चेंज कर लेंगे फॉर डेमो दोनों हमारा सेम ही है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हमें क्या करना है कि एक फ़ाइल मैं क्रिएट कर रहा हूँ कॉन्फिग नाम से, और इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि db.js नाम का एक फाइल क्रिएट करेंगे। और इसके अंदर हमें कुछ फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो कि हमारे डेटाबेस को कनेक्ट करेगा। तो फंक्शन में हमें क्या करना है कि पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे मोंगूस, क्योंकि मोंगूस से ही हमारा जो है डेटाबेस को कनेक्टिविटी होगा यहाँ पे। उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और उसके अंदर में ट्राई एंड कैच ऐड करेंगे, और जो फंक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का यूज़ करके इसको एक्सपोर्ट कर देते ताकि दूसरी जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्राई के अंदर में हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल डिफाइन करना है, और उसके अंदर में क्योंकि एसिंक यूज़ किया हुआ तो अवेट का यूज़ करके mongoose.connect mongoose क्यों इम्पोर्ट किया हुआ तो उसके साथ में कनेक्ट मेथड जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में process.env mongo URI, यानी कि जो हमने .env के अंदर में डिफ़ाइन किया था mongo URI उसको हम लोग यहाँ पे जो है यूज़ कर रहे हैं .env का यूज़ करके। .env के अंदर में process.env लिख करके अगर हम यहाँ पे नाम डिफाइन करते हैं तो उससे वो कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे mongoose.connect का भी हमने यूज़ किया हुआ है तो उसके अंदर में हम लोग URL को बेसिकली पास कर रहे हैं। URL कहाँ से आ रहा है, जो कि हमारा .env फाइल के अंदर में। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सोल लॉग कर सकते हैं कि ताकि डेटाबेस हमारा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ उसको हम लोग चेक करने के लिए। अगर कनेक्ट हो जाएगा तो MongoDB कनेक्टेड जो है इस तरीके से मैसेज आने लगे, और अगर नहीं कनेक्ट होगा तो फिर कैच के अंदर में हम लोग क्या करेंगे कि एरर डिस्प्ले करेंगे। तो एरर को भी मैं कॉन्सोल कर देता हूँ console.error का यूज़ करके, और जो एरर हमारा कैच होगा उसको फिर हम लोग यहाँ पे error.message का यूज़ करके ऐड कर देंगे। उसके बाद process.exit कर देंगे, इनकेस अगर एरर आता है तो वो एग्ज़िट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको हमने क्रिएट कर लिया, और अभी हमने क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किया हुआ export.default का यूज़ करके, तो फिर हम इसको किसी भी फाइल के अंदर में यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी फाइल के अंदर तो यूज़ नहीं करना, इसको हमें यूज़ करना है कहाँ पे, index.js फाइल के अंदर में। index.js फाइल के अंदर में आपको जाना है इसको, और यहाँ पे क्या करना है कि उस फाइल को हमें इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि .env फाइल को इंपोर्ट करेंगे .env को। उसके बाद उसको पहले कॉन्फ़िगर करेंगे .env.config का यूज़ करके, और उसके बाद फिर जो db.json फाइल जो है, मतलब js फाइल जो है उसको इंपोर्ट करेंगे। और फिर उसके बाद में फिर हम जो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर बेसिकली जो हमने डिफ़ाइन किया था उसको, और फिर इसको फिर हम लोग इनिशलाइज करेंगे इस तरीके से। अभी क्या है कि ये जो हमारा यहाँ पे db.json के अंदर में जो मेथड हमने लिखा था वो env का यूज़ करके हमने उसको यहाँ पे इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम हमारा जो देख सकते हैं आप CLI के अंदर में कि MongoDB जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम जो भी मेथड यूज़ करना चाहें, यानी कि जो भी फंक्शनैलिटी डेवलप करना चाहें वो हम उसको डेवलप कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि जो
प्रोडक्ट को ऐड करने का फंक्शनलिटी है उसको बेसिकली जो है हम ऐड करेंगे। तो ऐड की जब हम फंक्शनलिटी ऐड करते हैं यानी कि जब डेटा को ऐड करते हैं तो हमें डेटा का स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है पहले, जिसको हम लोग मॉडल बोलते हैं। और मॉडल के अंदर में स्कीमा आता है, स्कीमा बताता है कि किस टाइप का जो है डेटा हम लोग डेटाबेस के अंदर में ऐड कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से फील्ड होंगे और उस फील्ड का डेटा टाइप क्या होगा, जैसे कि टाइटल क्या होगा, स्ट्रिंग होगा कि नंबर होगा कि बूलियन होगा या फिर कुछ और होगा। तो इस तरीके की चीज़ें, तो उस अगर आप साइट पे जाएंगे MongoDB का जो मैंने सैम्पल वाली साइट ओपन की थी उस पे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको मॉडल क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग इसी तरीके से मॉडल क्रिएट करेंगे और स्कीमा जो है वो हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मैं मॉडल के लिए फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर में क्योंकि हमें प्रोडक्ट का डेटा दिखाना है तो हम यहाँ पे product.js नाम से मॉडल क्रिएट कर लेंगे। और फिर इसके अंदर में हमें क्या करना है कि सिंपल यहाँ से जो हमने कॉपी किया है मॉडल उसी को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि हमें क्या करना है। तो पहले तो इसको हमें क्या करना होगा कि जो भी ब्लॉग स्कीमा जहाँ जहाँ भी आ रहा है उसको हमें चेंज करके इन सबको पहले हमें प्रोडक्ट से रिलेट करना है, यानी कि नाम इसका ब्लॉग की जगह पे प्रोडक्ट करना है। तो इन सबको मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी हमने चेंज कर लिया है सबको और इसमें जो स्कीमा है ये भी स्कीमा भी हम हटा देंगे क्योंकि हमारा जो स्कीमा है वो अलग होगा, यानी कि उसके अंदर में इतने सारे फील्ड नहीं आएंगे, उसमें टाइटल, प्राइस, इमेज और डिटेल्स जो है बस इतना सारा फील्ड रहेगा। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसमें सबका टाइप जो हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया, बाकी वैसे आपको जो भी फील्ड डालेंगे वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मॉडल डिफाइन कर सकते हैं और मॉडल में कौन कौन से आपको फील्ड्स चाहिए वो सारे आप फील्ड डिफाइन कर सकते हैं और फिर जो है उसको आपको यूज़ कर सकते हैं। तो मॉडल तो हमने डिफाइन कर लिया है और उसको जो है हमें यूज़ करेंगे, बट अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करना, पहले हमें मेथड लिख लेना है और उसके बाद मॉड्यूल जो है हम लोग उसको इंपोर्ट करेंगे। तो उस मॉड्यूल के अंदर में जितना भी हमने डिफाइन किया टाइप उसके बेस पे हमें डेटा जो है ऐड करना है, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो ऐड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो यहाँ पे एक ट्राई और कैच का ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ट्राई कैच इसलिए ऐड कर रहे हैं कि एरर जो होगा उसको कैच करके हम एरर में डिस्प्ले करेंगे और जो हमारा मेथड होगा उसको हम ट्राई के अंदर में ऐड करेंगे, यानी कि पहले वो ट्राई करेगा और उस मेथड को जो भी उसके अंदर लिखा उसको ट्राई करेगा और अगर कुछ एरर आता है तो फिर वो क्या करेगा कि एरर को कैच करेगा और कैच करने के बाद में फिर एरर को जो है वो उसका स्टेटस या फिर डिस्प्ले उसको करना है तो वो चीज़ जो है वो डिस्प्ले करेगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट का यूज़ करके मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो हमारा डेटा आएगा यानी कि टाइटल, प्राइस, इमेज और डिटेल, इसको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर का यूज़ करके मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से करके डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ। अब क्या करना है हमें कि ये जो टाइटल, प्राइस, इमेज और डिटेल है इसको हमें क्या करना है कि इसको यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि रिक्वेस्ट डॉट बेसिकली जो बॉडी होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये क्या होता है कि जो भी डेटा हमारा सर्वर से यानी कि फ्रंट एंड से जब आता है तो वो उसको बोलते हैं वहाँ से रिक्वेस्टेड डेटा आया है और वो बॉडी के फॉर्म में आता है, तो इसलिए हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखते हैं। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट नाम से और इसको इक्वल न्यू प्रोडक्ट कर देते हैं। ये न्यू प्रोडक्ट क्या है, जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया था मॉडल वो हमारा मॉडल है ये। उसके अंदर में जो हमने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो गेट किया है टाइटल, प्राइस, इमेज, डिटेल, इसको फिर हम यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड कर देंगे। इसको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा मॉडल को
तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो प्रोडक्ट है उसके बाद एंटर करेंगे तो वो ऑप्शन आता है, उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है कि ट्राई के अंदर में आपको जाना है और ट्राई के अंदर में एक वेरिएबल क्रिएट करना है सेव्ड प्रोडक्ट के नाम से। उसके बाद इक्वल अवेट का यूज़ करना है, और क्योंकि अवेट यूज़ कर रहे हैं तो एसिंक भी हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। उससे पहले क्या करना है आपको, प्रोडक्ट डॉट सेव कर देना है, यानी कि जो प्रोडक्ट हमने ऊपर क्रिएट किया है, जो ऑब्जेक्ट जो कि बेस है किस पे, मॉडल पे, तो उसको हम डॉट सेव का यूज़ करके यहाँ पे सेव कर रहे हैं। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा सेव्ड प्रोडक्ट का जो वेरिएबल है इसको आप एज ए स्टेटस जो है सेंड कर सकते हैं कि जब रिक्वेस्ट में जेसन फॉर्मेट में ये हमारा वहाँ पे दिख जाएगा। और इनकेस अगर ये चीज़ें नहीं होती, यानी कि ट्राई ब्लॉक नहीं चलता हमारा, ये प्रोडक्ट सेव नहीं होता, तो एरर आएगा। जब एरर आएगा तो उसको हम क्या करेंगे कि एरर को कैच करेंगे और उसको रेज डॉट स्टेटस का यूज़ करके उसको हम सेंड कर देंगे, और मैसेज जो है वो हमारा जेसन फॉर्मेट में जाएगा। तो स्टेटस में 400 और जेसन के अंदर में जो मैसेज हमारा आया है एरर का, उसको हम एज ए जेसन ऑब्जेक्ट में यहाँ पे डाल देंगे। क्योंकि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अवेट यूज़ कर रहे हैं, तो अवेट तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपका फंक्शन जो है वो एसिंक्रोनस हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एसिंक जो है ऐड कर देंगे। अब अवेट का एरर जो हमारा चला गया। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमें, ये प्रोडक्ट बेसिकली हमारा मॉडल है, तो इसको अगर इस तरीके से आप लिख करके स्पेस दबाएंगे तो एंटर करेंगे तो ये अपने आप वहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा। इनकेस अगर इंपोर्ट नहीं होता तो इस तरीके से आपको उसको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट के बाद में प्रोडक्ट और फ्रॉम जो उसका मॉडल का जो पाथ है यानी कि फोल्डर का, ये चीज़ आपको वहाँ पे डिफाइन कर देना है। जब आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर देंगे तो फिर आपका यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं कि दूसरा मेथड क्रिएट कर सकते हैं, बट जब आप इसको सेव करेंगे तो आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पे एरर आ रहा है, यानी कि प्रोग्राम जो है वो क्रैश हो चुका है। तो बेसिकली दिक्कत क्या है कि जो एरर शो कर रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनॉट फाइंड मॉड्यूल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि इम्पोर्टेड जो हमने यहाँ पे जो इम्पोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे हमें पाथ डिफाइन कर तो हमने कर दिया, लेकिन उसका नाम का के साथ में एक्सटेंशन नहीं डाला है, यानी कि डॉट जे एस नहीं डाला हुआ है। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। ये क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि जब हम क्योंकि पैकेज डॉट जे एस एन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि टाइप मॉड्यूल हमने डिफाइन किया हुआ है। तो जब भी टाइप मॉड्यूल डिफाइन करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि पूरा पाथ देना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप मॉड्यूल, टाइप मॉड्यूल जब भी आप डिफाइन करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट का ऑप्शन जो है इनेबल करके देता है एज ए मॉड्यूल फॉर्म में, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नाम के साथ में उसका एक्सटेंशन भी लिखना पड़ता है। कि जैसे आप देख सकते हैं कि db.json, यहाँ पे router.js वगैरह जो भी मतलब एक्सटेंशन है वो आपका हर जगह पे इंपोर्ट में आया हुआ। इसको प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना, अगर अदरवाइज़ अगर ये छूट जाएगा तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, आपका इस तरीके से वो क्रैश कर जाएगा। ठीक है, सेव कर देना। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे मैसेज में डीबी कनेक्टेड आ रहा है, यानी कि सब कुछ सारा प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल तरीके से चल रहा है। तो ऐड प्रोडक्ट का जो मेथड था वो हमने क्रिएट कर लिया है, अब इसको चेक कर सकते हैं। बट चेक करने से पहले मैं क्या चाहता हूँ कि मैं पहले सारा मेथड को एक एक करके पहले मैं क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। तो अभी क्या करते हैं कि ऑल प्रोडक्ट का जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे फिर जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था ट्राई कैच, उसी तरीके से हम ट्राई कैच जो है वो ऐड कर लेंगे। और ट्राई कैच ऐड करने का क्या है कि सबके अंदर हमें ट्राई कैच ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या करते हैं कि टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब में ट्राई कैच ऐड कर सकते हैं, कर देते हैं, यानी कि जितने भी हमारे मेथड है सबके अंदर ट्राई कैच हमें ऐड कर देना है। यानी कि ऑल प्रोडक्ट से लेकर के डिलीट प्रोडक्ट तक, यानी कि प्रोडक्ट गेट करने का, प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट गेट करने का, प्रोडक्ट अपडेट करने का, और प्रोडक्ट को अपडेट करने का, प्रोडक्ट को डिलीट करने, इन सारे मेथड के अंदर में हमने टाइम को बचाने के लिए ट्राई कैच पहले जो है सब में ऐड कर दिया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा कैच वाला जो मेथड है, अगर आप ध्यान से देखें तो सबके अंदर सेम ही चीज़ होता है। एरर को हम कैच करते हैं और फिर उसका जो स्टेटस होता है
वो बेसिकली क्या करते हैं हम कि 400 डाल करके जेसन फॉर्मेट में सारे जो एरर है उनको हम सेंड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि एक कॉपी कर लेता हूँ, सबके कैच में मैं ऐड कर देता हूँ कि ताकि एरर वाला जो हमारा काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, कि अगर जब भी जिस भी फंक्शन के अंदर जिस भी मेथड के अंदर एरर आता है तो उसको कैच करके वो डिस्प्ले कर दे। तो इसको हमें बार बार जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब डायरेक्टली जो है सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैच के ऊपर में हमें काम करना होगा, सेम काम हमें बार बार नहीं करना होगा। तो सारे के कैच के अंदर आप देख सकते हैं कि कैच वाला जो मैसेज था स्टेटस के साथ में जेसन फॉर्मेट के साथ में वो हमने ऐड कर दिया है सारे मेथड के अंदर में। अब हमें क्या करना है कि ऑल प्रोडक्ट को जो है हमें गेट करना है। और एक चीज़ और क्या है कि सारे जो फंक्शन हमारे वो एसिंक्रोनस है, तो बार बार मैं भूल जाता हूँ, इसलिए सबके अंदर में पहले मैं एसिंक भी ऐड कर देता हूँ कि ताकि एसिंक्रोनस फंक्शन तो हमें बनाना ही है, बाद में लिखना ही है, तो इससे पहले सबके अंदर अगर लिख देंगे तो फिर टाइम भी बचेगा और भूलने का जो गुंजाइश होता है यानी कि हम लोग भूल नहीं सकते, तो इसलिए सबके अंदर मैं एसिंक जो है वो ऐड कर देता हूँ डिलीट तक, यानी कि ऑल प्रोडक्ट से लेकर के डिलीट तक। तो ये हमारा काम सारा जो है वो हो चुका है। अब मेन हमें ट्राई के अंदर में क्या करना है, यानी कि डेटा को गेट करना है, अगर तो गेट का मेथड, सिंगल डेटा को गेट करना है तो वो, और बाकी के जो मेथड्स है वो सब हमें करना है। तो अभी हमें ऑल प्रोडक्ट, मैं चाहता हूँ कि ऑल प्रोडक्ट जो है वो मैं गेट करूँ, यानी कि प्रोडक्ट जो हमारा आता है जितने भी प्रोडक्ट को हम ऐड करेंगे तो उनको हम गेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, जैसे मैंने ऐड किया था उससे बहुत सिंपल है। हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना है कॉन्स प्रोडक्ट्स के नाम से, इक्वल अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड, और फाइंड मेथड जो है ये हमारा मोंगूज का मेथड है जिससे कि हम डेटाबेस से प्रोडक्ट को जो है हम फाइंड करेंगे। और ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये वाला हमारा मॉड्यूल जो हमने इंपोर्ट किया हुआ वो चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, सिंपल है। अब हमें क्या करना है कि जो प्रोडक्ट हमें स्टोर मतलब फाइंड करके जो हमें स्टोर करेंगे कॉन्स प्रोडक्ट के अंदर में, उसको हम सेंड कर देंगे रेस डॉट जेसन का यूज़ करके जो हमारा प्रोडक्ट्स है उसको, बस सिंपल इतना ही है। ये मेथड क्या करेगा कि वेरिएबल के अंदर में जो प्रोडक्ट होगा उसको स्टोर करेगा और फिर इसको सेंड कर देगा जेसन फॉर्मेट में, यानी कि हमें एज ए स्टेटस मतलब जेसन फॉर्मेट में डेटा मिल जाए। तो ये हमारा ऑल प्रोडक्ट का जो काम है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ऑल प्रोडक्ट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ऐड भी प्रोडक्ट हमने कर दिया हुआ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट जो है उसको भी हम गेट कर सकते हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट को भी गेट करना जो है वो बहुत ही सिंपल है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है। जैसा कि हमने प्रोडक्ट को गेट किया है बिल्कुल ये उसी तरीके से होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे कॉन्स प्रोडक्ट नाम से, इक्वल अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी मेथड का यहाँ पे यूज़ करें। फाइंड बाय आईडी मेथड जो है ये हमारा किसका है, मोंगोज का है। ये क्या करता है कि इसके अंदर जो भी हम आईडी पास करेंगे उसके बेस पे ये डेटा को फाइंड करके लेके आता है। और ये डेटा क्या है, रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी यहाँ पे हमने डाला है। और ये कहाँ से आएगा, अगर आउटर के अंदर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट डिटेल पे हमने कॉलन आईडी डाला हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आईडी पास होगी यूआरएल के अंदर में स्लैश के बाद में, वो आईडी उसको यहाँ पे मिल जाएगा। और इस आईडी के बेस पे क्या करेगा कि प्रोडक्ट को ये फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद में इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब हम इस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं कि एज ए जेसन सेंड कर सकते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट का डिटेल होगा वो हमारा जेसन फॉर्मेट में वहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए, यानी कि ऑल प्रोडक्ट भी सिमिलर है और सिंगल प्रोडक्ट भी जो है सिमिलर। इसमें आईडी के थ्रू करते हैं, उसमें नॉर्मल तरीका होता है, उसमें आईडी के थ्रू नहीं करते क्योंकि उसमें सबको ऐड करना है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट को करना है। इसको मैं बंद कर देता हूँ कि ताकि स्पेस हमें मिले। और अब हमें क्या करना है कि ऐड प्रोडक्ट भी हो चुका है, ऑल प्रोडक्ट भी हो गया, सिंगल प्रोडक्ट भी हो गया हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को अपडेट कर सकते हैं या फिर प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं कि प्रोडक्ट को हम
अपडेट ही करते हैं, उसके बाद फिर डिलीट वाला जो काम है उसको करेंगे। तो फिर हमें क्या करना है कि ट्राई के अंदर से पहले इसको मैं मैसेज को हटा देता हूँ, और ट्राई के अंदर में जैसे हमने यूज़ किया उसी तरीके से यहाँ पर भी हम सेम प्रोसेस जो है वो हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कौन से प्रोडक्ट के नाम से, और इक्वल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर में टाइटल, और ये जो टाइटल है ये कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट टाइटल। यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कि जो टाइटल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से जो टाइटल आएगा वो हमारा इस टाइटल के अंदर में ऐड हो जाएगा, और उसी तरीके से जो प्राइस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा वो प्राइस के अंदर में, जो इमेज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा वो इमेज के अंदर में, और जो डिटेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा वो डिटेल हमारा डिटेल के अंदर में। इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे कौनस अपडेटेड प्रोडक्ट जो है वो हम ऐड करेंगे, और उसके बाद इक्वल साइन यूज़ करने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि अवेट, क्योंकि एसिंक्रोनस हमारा प्रोग्राम है, उसके बाद प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट यूज़ करेंगे, और क्योंकि आईडी है तो यहाँ पे हमें एक आईडी पास करना पड़ेगा, और आईडी जो है वो कहाँ से आएगा उसको मतलब कैसे हम गेट कर सकते हैं, तो वही सिंपल सा तरीका है पेरेंट्स जो हम गेट करेंगे। तो इसके अंदर में दो चीज़ हमें पास करना है, एक तो हमारी जो आईडी है वो पास करना है, और दूसरा जो चीज़ है जो हमारा डेटा है यानी कि जो प्रोडक्ट है वो हमें पास करना है। तो आईडी को जो है हम अंडरस्कोर आईडी पास करेंगे यहाँ पे, और आईडी जो है ये हमारा पैरम से मिल जाएगा, तो वो वाली आईडी हमारी आ जाएगी रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी, और इसको अंडरस्कोर आईडी में हम ऐड करें, क्योंकि मोंगोज डीबी का जो आईडी है जो स्टोर होता है वो अंडरस्कोर आईडी के अंदर ही स्टोर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी आपको ध्यान रखना है कि ऐड करना है, और ये ब्रैकेट के अंदर में होगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो दूसरा जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, जो हमने प्रोडक्ट जिसको अपडेट किया है वो प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेटेड प्रोडक्ट हमारा हो गया और आईडी हो गया, इन दोनों को हमें डालना है। और उसके बाद क्या करना है कि अपडेटेड प्रोडक्ट नाम का जो वेरिएबल है इसको फिर हम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट जेसॉन का यूज़ करके इसको हम सेंड कर सकते हैं, यानी कि जो अपडेटेड होगा किसको हमने अपडेट किया वो हमारा मतलब जेसन फॉर्मेट में डिस्प्ले हो जाएगा। तो अभी क्या है कि हमारा ऑल प्रोडक्ट हो गया, सिंगल प्रोडक्ट हो गया, ऐड प्रोडक्ट हो गया, अपडेट प्रोडक्ट हो गया है। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है एक चीज़ जो कि हमारा डिटेल वाला जो है मतलब वो बचता है। तो इसको भी मैं बंद कर देता हूँ कि ताकि इजी हो हमें मतलब देखने के लिए। ऑल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट एंड डिलीट प्रोडक्ट। तो डिलीट भी जो है बहुत सिंपल सा है, और मेन जो है ऐड और अपडेट, इसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, बाकी जो आपका बाकी सब जो है वो बहुत ही सिंपल है। डिलीट में आपको क्या करना है कि ट्राई के अंदर में जाना है, और ट्राई के अंदर जाने के बाद में सिंपली क्या करना है कि एक वेरिएबल आपको क्रिएट करना है, कॉन्स्ट रिमूव प्रोडक्ट इक्वल अवेट, क्योंकि एसिंक्रोनस प्रोग्राम है, और उसके बाद प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाई आई डी एंड डिलीट ये करना है, और इसके अंदर भी आईडी हमारी ऐड हो जाएगी। तो आईडी के लिए रिक्वेस्ट डॉट पेरेंट्स डॉट आईडी, यानी कि यूआरएल में जो आईडी जाएगी उसको हम यहाँ पे गेट करके डाल रहे हैं, और फिर जो ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया था रिमूव्ड प्रोडक्ट, इसको हम जेसन फॉर्मेट में इसको सेंड कर दे रहे हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट डिलीट होगा वो बता देगा जेसन फॉर्मेट में, स्टेटस में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है डिलीटेड प्रोडक्ट है आपका। तो इस ये भी बहुत सिंपल सा है, एक लाइन का कोड है। तो इस तरीके से आपका जो है सारा मेथड जो है यहाँ पे रेडी हो जाता है, जितने भी हैं, डिलीट प्रोडक्ट का भी हो गया, अपडेट प्रोडक्ट का भी हो गया, और ऐड का भी हो गया, और ऑल प्रोडक्ट गेट करने का भी हो गया, सिंगल प्रोडक्ट गेट करने का भी होगा। तो बेसिकली सारे मेथड जो है यहाँ पे हमने ऐड कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि ये जो API हमने क्रिएट किया है ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है, वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हमें चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पोस्टमैन का यूज़ करेंगे। पोस्टमैन क्या होता है उसको भी
देखेंगे। अब क्या करना है कि जो हमने एपीआई क्रिएट किया उन सबको चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या होता है कि जो गेट का जो मेथड होता है उसको हम ब्राउज़र पे भी रन कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो है वो हम ब्राउज़र पे रन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें पोस्टमैन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ ऑल प्रोडक्ट को। इसको जब आप ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करेंगे इस तरीके से तो आपको जेसन फॉर्मेट में आ जाएगा, यानी कि एपीआई आपका प्रॉपर वर्क कर रहा है लेकिन कोई डेटा नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डेटा डेटाबेस में है ही नहीं, क्योंकि कोई डेटा हमने ऐड ही नहीं किया। अगर आप MongoDB के अंदर में अगर आप जाएंगे और यहाँ पे ब्राउज कलेक्शन को अगर रिफ़्रेश करके अगर आप चेक करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी डेटा जो है वो आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे आपको टेस्ट के अंदर में जाके प्रोडक्ट पे जाना है। तो आपका ये जो है कलेक्शन तो क्रिएट हो चुका है और लेकिन इसके अंदर में कोई डेटा जो है आपका मौजूद नहीं है। तो अब डेटा कहाँ से आएगा? डेटा को लाने के लिए हमें प्रोडक्ट को जो है ऐड करना पड़ेगा। तो जितने भी गेट के मेथड है उनको आप ब्राउज़र पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए या सिंगल प्रोडक्ट को गेट करने के लिए आप जो है डायरेक्टली ब्राउज़र पे अगर URL टाइप करेंगे तो आपका डेटा जो है वो आ जाएगा। बट हमें क्या करना है कि डेटा ऐड करना है, तो यानी कि प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सारे फील्ड यानी कि टाइटल, प्राइस, इमेज और डिटेल, इन सबको हमें फ्रंट एंड के थ्रू जो है वो सेंड करना पड़ेगा एज ए रिक्वेस्ट में। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यूज़ कर रहा हूँ पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या है कि ये बिल्कुल फ्रंट एंड की तरीके से काम करता है और ये इसका काम बेसिकली ये है कि ये API को चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो आपको पोस्टमैन को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जब पोस्टमैन को आप ओपन करेंगे तो पोस्टमैन जो आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे URL दिख रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया हुआ था पहले, ये इसलिए यहाँ पे ऐसा आ रहा है। बट आप में अगर फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से नहीं आएगा, बिल्कुल खाली खाली आएगा। तो आपको क्या करना है बेसिकली इसमें क्या होता है कि URL आपको पास करना होता है, और जैसे यहाँ पे हमने पास किया हुआ है तो इसी को URL को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जो हमारा पोस्टमैन है इसमें हम URL में डाल देंगे इस तरीके से। और URL को डालने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जो यहाँ पे मेथड है इसमें से आपको पोस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद में जो हमारा ये डेटा है टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें, अगर मैं आपको राउटर में लेके चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेथड जो है हमारा ये पोस्ट है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि जो भी मेथड होगा वो आपको मेथड जो है वो ऐड करना है यहाँ पे। तो क्योंकि पोस्ट मेथड है तो हमने पोस्ट डाल दिया हुआ। अब हमें डेटा सेंड करना है, डेटा के लिए आपको बॉडी में जाना है। बॉडी के अंदर में आपको क्या करना है कि रॉ सेलेक्ट करना है और रॉ के अंदर में जेसन सेलेक्ट करना है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रॉ के अंदर में जेसन डाला हुआ है और इसके अंदर में इस तरीके से डेटा डालना है। मैंने टेस्ट किया था तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी डेटा जो है एडेड है, और इससे क्या है कि टाइम भी बचाना है तो इसलिए मैंने पहले से ही इसको डाल के रखा हुआ था। तो इसमें बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या है की और पेयर में वैल्यू है, यानी कि टाइटल भी देखेंगे तो डबल कोट के अंदर में है और टाइटल के अंदर जो वैल्यू आ रहा है ये भी आपको डबल कोट के अंदर में मिलेगा आपको, और दोनों को सेपरेट किया गया है किसी से कॉलन से, ठीक है। तो इस तरीके से सबको आपको डेटा को ऐड करना है और उसके बाद आपको सेंड करना है। जब आप सेंड करेंगे तो क्या होगा कि ये एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो डेटा जो आपका यहाँ से जो जा रहा है यानी कि फ्रंट एंड से जो डेटा जा रहा है और जो URL से जा रहा है, ये आपका URL और ये आपका बॉडी, ये कोड को नहीं पता चलेगा। उसका रीज़न क्या है, उसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जेसन पार्सर ऐड करना पड़ेगा। जेसन पार्सर जो है वो समझता है कि जो जेसन डेटा जो आ रहा है उसको कैसे मतलब पार्स करना है। तो गूगल पे जा करके अगर आप सर्च करेंगे जेसन पार्सर तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आपको जो है आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं कि डेटा जो है क्या होता है, बॉडी से क्या होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखी हुई है चीज़ें, तो आप पढ़ करके उसको समझ सकते हैं। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर उसको कहा जाए तो बस सिंपल सा ये है कि आपको जो है जेसन फॉर्मेट का डेटा जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले जेसन पार्सर इंस्टॉल करना होता था, लेकिन अब क्या है कि आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। उसके लिए
ऐप डॉट यूज़ का आपको यूज़ करेंगे और एक्सप्रेस डॉट जेसन मेथड ऐड कर देंगे और दूसरा ऐप डॉट यूज़ के अंदर में एक्सप्रेस डॉट यू आर एल इनकोडेड के अंदर में एक्सटेंडेड ट्रू करना है आपको, ठीक है। ये जब आप ऐड कर देंगे इस तरीके से और ऐड करने के बाद में इसको सेव कर देंगे और सेव करने के बाद में फिर जब आप इसको रन करेंगे तो आपका ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है अभी देख सकते हैं कि अभी भी क्या है कि ये एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, अगर सेंड करने के बाद में जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं दिखा दूँ, अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो फिर भी देख रहे हैं कि अभी भी जो है वो इशू आ रहा है। तो इशू क्यों आ रहा है? तो क्योंकि अब तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने उसमें जेसन पार्सल डालना है तो वो भी हमने डाल दिया है, यूआरएल इनकोडेड भी डाल दिया है, तो अब तो इशू नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे इशू जो है वो आ रहा है। तो एग्जैक्टली जो अभी जो इशू है वो इशू है यहाँ पे लाइनिंग का, यानी कि जो अभी हमने जहाँ पे इसको पेस्ट किया हुआ है वो बेसिकली जगह सही नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सिंपल सा तरीका है कि जो यूआरएल है आपका ऐप डॉट यूज़ API स्लैश प्रोडक्ट, इसको आपको नीचे करना है और जो कोड हमारा एक्सप्रेस डॉट जी एस वाला जो है इसको आपको ऊपर कर देना है। जब आप इसको ऊपर कर देंगे और फिर सेव कर देंगे उसके बाद जो है आपका ये प्रॉपर तरीके से जो है ये चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं और फिर वापस से मैं यहाँ से सेंड करता हूँ। सिंपल जैसे ही मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है मेथड सब कुछ प्रॉपर तरीके से चल रहा है और रिस्पांस में भी जो ऐड प्रोडक्ट है वो हमारा आ रहा है। इसको पहले मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ एक बार डेटाबेस को। यहाँ पे बटन है रिफ़्रेश का, इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाता है। रिफ़्रेश होने के बाद में जो है थोड़ा ये टाइम लेता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो हमने वहाँ से डेटा ऐड किया था वो डेटा हमारा यहाँ पर आ रहा है। डेटा का टाइटल भी आ रहा है, डेटा का प्राइस भी आ रहा है, डेटा का इमेज भी आ रहा है, डेटा का डिटेल्स जो है वो भी आ रहा है। तो यानी कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा ऐड हो रहा है। तो इसको थोड़ा और मैं जूम कर देता हूँ, अभी सही दिख रहा है, बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये अंडरस्कोर आईडी है और बाकी का डेटा हमारा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक डेटा यहाँ पे और मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइटल में न्यू डाल देता हूँ, बस न्यू वन, और बाकी का जो डेटा है हमारा वही रहेगा। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। बाकी इसको सेंड कर देते हैं। सेंड करेंगे नीचे देख सकते हैं कि आपका स्टेटस 200 ओके आ रहा है और अपडेटेड डेटा जो है वो भी आपका आ रहा है। फिर अगर डेटाबेस में जाएंगे और यहाँ पे आकर के फिर अगर इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपका जो दूसरा वाला जो आपने पोस्ट किया है यानी कि जो प्रोडक्ट आपने ऐड किया है वो दूसरा वाला प्रोडक्ट जो है वो भी आपका यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो लिस्टिंग आपकी आ रही है, दोनों में सारा डिटेल आ रहा है। दूसरे वाले में न्यू वन हमने ऐड किया था तो न्यू वन आ रहा है, पहले वाले में डायरेक्ट जो हमारा वर्लपूल टाइटल है वो आ रहा था। तो यानी कि अब सही है। अब मैं अगर यहाँ पे ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका दोनों डेटा आ रहा है, यानी कि गेट वाला जो मेथड है वो हम डायरेक्टली ब्राउज़र पे भी रन कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल अगर URL डालेंगे तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगा। तो यानी कि दोनों जगह आपने देख लिया, डेटाबेस में भी देख लिया, ब्राउज़र पे भी देख लिया। और अगर आप चाहते हैं इसको कि पोस्टमैन में ऐड करना तो पोस्टमैन में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और प्लस जो दूसरा वाला है हमारा यानी कि सिंगल डिटेल वाला उसको भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको ID की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक किसी भी पोस्ट का ID हम कॉपी करके और स्लैश पोस्ट के बाद स्लैश करके ID हम अगर ऐसे ऐड करेंगे तो सिंगल डेटा जो है हमारा सिंगल प्रोडक्ट का वो भी हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और दोनों ब्राउज़र पे क्यों डिस्प्ले हो रहा है उसका रीज़न ये है कि दोनों का मेथड जो है वो हमारा गेट का है। अब इन सबको अगर आप चाहें तो पोस्टमैन के अंदर भी अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से एक और ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं URL जो है उसको रिप्लेस कर देता हूँ मैं अपने URL से। यहाँ पे ये ऑल प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा और मेथड जो है वो हमारा गेट ही रहेगा। बस इतना करके सेंड कर देना। नीचे में देख सकते हैं कि ऑल प्रोडक्ट जो है वो आपका आ रहा है। उसके बाद दूसरा एक और मेथड लेते हैं और यहाँ पे फिर मैं अपना ID वाला जो URL है वो ऐड कर देता हूँ और इसका मेथड भी मैं गेट डाल रहा हूँ और इसको भी सेंड करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी ID हमने डाली हुई है URL के अंदर में
उसका डेटा यहाँ पे, उस प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्या करते हैं कि अपडेट में डालते हैं। इसके लिए भी आपको सेम यूआरएल मैंने डाल दिया हुआ है, क्योंकि आईडी हमें चाहिए थी, तो आईडी है और यहाँ पे मेथड में पुट करना है, और उसके बाद बॉडी के अंदर में रॉ के अंदर जेसन, और जेसन के अंदर में जिस भी फील्ड को आप चेंज करना चाहते हैं वो सारे फील्ड यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि मैं टाइटल और प्राइस को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे दो ही डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं सारा डालना तो सारा भी आप डाल सकते हैं, और अगर स्पेशली सिंगल डालना है आपको कोई एक, तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट, यानी कि अब इस अपडेट वाले को हम लोग जो है चेक करेंगे, क्योंकि बाकी का तो सारा हमारा चेक हो चुका है। तो यहाँ पे हमने टाइटल के अंदर में डाल दिया अपडेटेड, और प्राइस में हमने डाल दिया 300, और यूआरएल में हमने एक यूआरएल डाल के इसको सेंड कर दिया। अभी देख सकते हैं स्टेटस में ओके आ रहा है 200, और यहाँ पे अपडेटेड जो आईडी है वो हमारा मतलब क्या आ रहा है। अब अगर इसकी आईडी मैंने जिसको मैंने अपडेट किया उसको अगर हम चेक करेंगे सिंगल वाले को, तो अब इसका टाइटल आप देख सकते हैं अपडेटेड आपका जो है, ये भी टाइटल भी आपका अपडेटेड आ रहा है, यानी कि ये अपडेट हो चुका है। अब इसको अगर आप डेटाबेस में जाएंगे तो भी देख सकते हैं, या फिर ब्राउज़र पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि ये जो है आपका अपडेट हो गया है, प्राइसेस 300 हो गया है। डेटाबेस में भी एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें आपको पहले रिफ़्रेश करना पड़ेगा। तो रिफ़्रेश करने के लिए यहाँ पे रिफ़्रेश पे क्लिक करना है, रिफ़्रेश पे क्लिक करने के बाद में ये आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही आपका रिफ़्रेश होगा तो अपडेटेड जो आपका डेटा है वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका अपडेटेड डेटा जो है ये आपका ऊपर ही डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि टाइटल और उसका प्राइस, और बाकी की जो फील्ड थे इमेज और डिटेल वो पहले जैसा था वैसा ही आ रहा है। ठीक है, आईडी अगर आप चेक करेंगे तो सिमिलर आईडी है। ठीक है, तो आपका अभी क्या है कि अपडेट भी हमने चेक कर लिया, और ऐड भी हमने चेक कर लिया, ऑल प्रोडक्ट भी कर लिया, सिंगल प्रोडक्ट भी कर लिया। अब हमारा बचता क्या है, डिटेल प्रोडक्ट, यानी कि किसी प्रोडक्ट को डिलीट करने का। तो इस एपीआई को चेक कर लेते हैं कि डिलीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक जो है हम कोई भी आईडी को सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ जो अपडेट हमने किया था, उसी का यूआरएल हम कॉपी कर लेते हैं और इसी को डिलीट करके चेक करेंगे, क्योंकि इसके टाइटल में हमने अपडेटेड लिखा हुआ था। तो यहाँ से डिलीट मेथड रखना है आपको, और यहाँ पे यूआरएल में आपको जो है आपका यूआरएल आईडी के साथ में वो डालना है यहाँ पे, और बस सिंपल इतना करना है और सेंड कर देना है। जैसे ही सेंड करेंगे नीचे में स्टेटस ओके आ रहा है 200, और अपडेटेड डेटा यानी कि सॉरी डिलीटेड डेटा जिसको हमने डिलीट किया है वो हमारा यहाँ पे आ रहा है, और इसकी टाइटल में हमने अपडेट लिखा हुआ था। अगर इसको अब हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये अपडेटेड वाला जो है यहाँ से गायब हो चुका होगा, क्योंकि हमने इसको डिलीट कर दिया हुआ है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ से भी, डेटाबेस से भी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि डेटा जो है हमारा डिलीट हो चुका है, और एक ही जो है हमारा वो बचा हुआ है यहाँ पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग। तो इस तरीके से जो है आपका अपडेट भी हो गया, एडिट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, और ऑल प्रोडक्ट भी हो गया। ऑल प्रोडक्ट को भी ब्राउज़र पे भी आप चेक कर सकते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को भी अगर चेक करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आईडी अगर वही सेम डालेंगे तो वो आपका नहीं आएगा। यानी कि कुल मिला करके ये बोल सकते हैं कि सारा डेटा जो है आपका सारा एपीआई जो है वो आपका वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे न्यू वन में जा रहा है। अगर यूआरएल डालेंगे तो ये आपको मिलेगा नहीं, नल आएगा, क्योंकि इसको हम लोग ऑलरेडी डिलीट कर चुके हुए हैं, और क्योंकि इसी को हमने अपडेट भी किया था सिंगल वाले को, और इसी को हमने डिलीट भी किया था। तो इस तरीके से जो है आपका एपीआई जो है वो कंप्लीट हो चुका है सारा का सारा। करंट एप्लीकेशन क्रिएट, अपडेट एंड डिलीट, ये सारी चीज़ें जो है आपका हो चुका है, क्रिएट, अपडेट, डिलीट और ऑल की ऑल लिस्ट। तो इस तरीके से आप करंट एपीआई जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन का जो कोड है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे क्या है कोड। अगर इनके साथ आपको चाहिए होगा तो वो लेकर के आप इसको कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ में जो है इतना ही, मतलब बेसिकली इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके से जितने भी हमारे पुराने
जो एप्लीकेशंस है यानी कि कोर्सेज है उन सबको मैं धीरे धीरे अपडेट करना शुरू कर चुका हूँ। धीरे धीरे सारे अपडेटेड कोर्स जो हैं वो अब आएंगे।